एक कहानी है एक जवान लड़के की, जिसे अपने साथ काम करने वाली कोवर्कर से प्यार हो जाता है, लेकिन वह किसी भी तरह से उसे लुभा नहीं पाता। एक दिन वो लड़की उसे मैसेज करके मिलने बुलाती है। उसके बाद उस लड़के को उस कोवर्कर के बारे में कुछ ऐसे राज पता चलते हैं जो उसकी सोच के परे होता है। इस फिल्म का नाम है बी माई स्लेव। मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम है काना, जो एक कंपनी में काम करती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो एक लड़की का गेम बजा रहा होता है। इसका नाम है मिस्सू और लड़की का नाम होता है मिदोरी। मिस्सू मिदोरी का गेम बजाने के बाद उससे कहता है मेरे जाना होगा क्योंकि आज मेरा कंपनी में पहला दिन है, यानी मिस्सू को अभी अभी जॉब मिला है। बाहर आकर मिस्सू अपने फ्रेंड से मिलता है, उसके फ्रेंड के साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। मिस्सू अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को लाइन मारने लग जाता है और उसे पटा भी लेता है। पटाने के बाद वो अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को एक खोपचे में ले जाकर उसका भी गेम बजा देता है। एनी लौंडा अपना हैवी ड्राइवर है। उसके बाद अगले सीन में हम मिस्सू को कंपनी में जाते हुए देखते हैं। जब वह कंपनी में जाता है तो कंपनी का मैनेजर उसे उसका काम बता देता है। मिस्सू अपने डेस्क पर बैठता है और अपने पास बैठी महिला से पूछता है कि उसे क्या काम करना है और किस तरीके से करना है। जब वो महिला उसे उसका काम समझाने लगती है तभी वहीं पर काना आती है, जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। मिस्सू उसे देखता ही रह जाता है। शाम को जब सभी कर्मचारी काम खत्म करने के बाद एक साथ खाना खाने बैठते हैं तो यहाँ पर मिस्सू काना से फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है, पर काना कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। अगले दिन ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर बात हो रही होती है तो काना भी अपना प्रोजेक्ट पेश करती हैं। यहाँ पर भी मिस्सू सिर्फ काना की ही साइड लेता है, वह उसे ही सपोर्ट करता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और मिस्सू हमेशा काना पर लाइन मारता रहता है, पर काना का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। एक दिन जब बार में काना शराब पी रही होती है तो मिस्सू वहाँ पर आकर उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है। यहाँ पर काना उसे धमकी देती है कि उसे ये सब पसंद नहीं है, अगर उसने दोबारा उस पर लाइन मारी तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। काना एक शादीशुदा औरत थी तो मिस्सू भी डर जाता है और दोबारा ऐसा ना करने का वादा करता है। अगले दिन काम पर मिस्सू काना से बिल्कुल भी बात नहीं करता। जब उसके साथ काम करने वाले उसे अपने साथ खाना खाने के लिए बुलाते हैं तो काना और मिस्सू खाना खाने से मना कर देते हैं और अपना काम करना जारी रखते हैं। जब मिस्सू अपना काम कर रहा होता है तो काना उसे एक मैसेज सेंड करती हैं और उसे रात को गपागप करने का न्योता देती हैं। जब मिस्सू उसे इस मैसेज के बारे में पूछता है तो वह कुछ जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती हैं। उस रात मिस्सू काना के बताए गए एड्रेस पर पहुँच जाता है। थोड़ी देर बाद काना वहाँ पर आती हैं। उसके बाद वे दोनों गाड़ी में बैठकर काना के घर पर चले जाते हैं। काना के घर पे कोई नहीं होता क्योंकि काना का हस्बैंड किसी काम से बाहर गया हुआ था। घर पहुंचते ही काना मिस्सू के हाथ में एक कैमरा थमा देती है और उसे खुद की गपागप की वीडियो बनाने के लिए कहती है। मिस्सू ऐसा ही करता है, वो अपनी और काना की गपागप वाली वीडियो बना लेता है। अगले दिन मिस्सू काना के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे दोबारा तुम्हारे साथ गपागप करना है। इस पर काना कहती है कि मैं तुम्हें इसके लिए मैसेज करूंगी कि कहां पर मिलना है, पर वह मिस्सू से ज़्यादा बातें नहीं करती हैं। उस शाम मिस्सू जब बार में बैठा हुआ होता है तो उसके साथ में एक आदमी पे बैठा हुआ होता है। ये आदमी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। उन दोनों की नज़र पीछे बैठी लड़की पर होती है। जब वो आदमी वहाँ से उठकर बाथरूम की तरफ जाता है तो वो लड़की भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। उसके बाद मिस्सू घर आ जाता है। घर पर उसे मिदोरी का कॉल आता है, जिसका वहाँ मूवी के शुरुआत में गेम बजा रहा था। वो उससे मिलने बुलाती हैं पर मिस्सू उसे अवॉइड कर देता है। तभी उसे काना का मैसेज आता है कि वहाँ उससे गपागप करने आ रही हैं। थोड़ी देर बाद काना उसके रूम पर आ जाती हैं। उसके बाद बिना बोले वे दोनों गपागप करने लग जाते हैं और मिस्सू वीडियो बनाता है। ऐसा कई दिनों तक चलता है। काना उसके पास आती हैं और वे दोनों बिना बातचीत किए गपागप कर लेते हैं और कैमरे में इसे रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। एक दिन काना मिस्सू को अपने घर पर बुलाती हैं। जब मिस्सू उसके घर पर जाता है तो काना उससे कहती है कि मैं ओसाका से मिलने जा रही हूँ, जब तक मैं नहीं आऊँ तुम मेरा इंतज़ार करना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं और मिस्सू वहीं पर रहता है। वहीं पर रहकर मिस्सू काना के रूम को चेक करने लगता है। चेक करते करते उसे एक सीढ़ी मिलती है। जब मिस्सू उस सीढ़ी को टीवी में लगाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं
उस सीढ़ी में काना और उसकी घपाघप वाली वीडियो थी जो कि उसी ने बनाई थी, पर यहाँ पर काना ये सब किसी आदमी के कहने पर कर रही थी। यानी कोई आदमी काना को मिस्सू के साथ घपाघप करके वीडियो बनाने के लिए कह रहा था और काना ऐसा ही कर रही थी। ये सब जानकर मिस्सू वहाँ से मिदोरी के पास चला जाता है और उसे काना के घर पे लाकर उसके साथ घपाघप करने की कोशिश करता है, पर मिदोरी उसे ऐसा करने नहीं देती क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मिस्सू के संबंध किसी और लड़की के साथ भी हैं। इसलिए मिदोरी वहाँ से चली जाती है, जिससे मिस्सू काफ़ी उदास हो जाता है और अपनी इसी उदासी को दूर करने के लिए मिस्सू बाहर में चला जाता है। बाहर में जाकर वो शराब पी रहा होता है कि तभी वही आदमी उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे बात करने लगता है। मिस्सू को पता चल जाता है कि यह वही आदमी है जिसके कहने पर काना ने उसके साथ संभोग करके वीडियो बनवाया था। उस आदमी का नाम है सेंसई, लेकिन सभी लोग उसे टीचर बुलाते हैं। वहाँ मिस्सू से बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद मिस्सू वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिस्सू अपने काम से अपने दोस्त के साथ एक राइटर के पास जा रहा होता है, तभी उसे काना का मैसेज आता है। उस मैसेज में मिस्सू के लिए इंस्ट्रक्शन होता है कि वह 10 बजे वाली बस में चढ़े। ये पढ़ते ही मिस्सू उस मैसेज के अनुसार उस बस में चढ़ जाता है, जहां टीचर और काना दोनों ही होते हैं। यहां पर उसे पता चलता है कि ये मैसेज भी काना ने टीचर के कहने पर ही भेजा था। साथ में वह देखता है कि काना को टीचर रिमोट से ऑर्गेजम दे रहा होता है। जब अगले स्टॉप पर सारे यात्री उतर जाते हैं तो काना मिस्सू को हाथ गाड़ी का मजा देने लगती हैं। अगले सीन में हम टीचर और मिस्सू को बाहर में देखते हैं, जहाँ टीचर मिस्सू को बताता है कि उसने किस तरह काना को अपनी स्लेव बनाया और किस तरह उससे मजा दिया। यही वजह है कि काना उससे बहुत प्यार करती हैं और उसके साथ रहने के लिए काना उसके द्वारा बोली गई हर चीज़ करती हैं और उसकी हर बात मानती हैं। ये सारी स्टोरी सुनने के बाद अगले दिन मिस्सू काना को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए पूछता है। काना भी उससे मिलने के लिए राजी हो जाती हैं। फिर मिस्सू काना के घर पर चला जाता है और उससे बोलता है कि वह उससे पसंद करता है और उससे घपाघप करना चाहता है। इस पर काना कहती है कि वह उसके साथ घपाघप करने के लिए राजी है, पर इसके लिए उसे ये सब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लेकिन मिस्सू नहीं चाहता कि वो ये सब रिकॉर्ड करे, इसलिए वो रिकॉर्डिंग करने से मना कर देता है। तो काना कहती है कि अगर वो ये सब रिकॉर्ड नहीं करेगा तो वह उसके साथ घपाघप नहीं कर सकती हैं, पर मिस्सू उसके साथ जबरदस्ती घपाघप कर लेता है। धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होता है कि वह काना के बिना नहीं रह सकता है, इसलिए वह टीचर से बात करने के बारे में सोचता है, क्योंकि काना वही करती है जो टीचर उससे करने के लिए कहता है। इसलिए वह टीचर को फ़ोन करके काना को उससे मिलाने की रिक्वेस्ट करता है। अगले दिन टीचर उनके पास आता है और कहता है कि अगर तुम इससे प्यार करते हो तो मुझे दिखाओ। ये सुनते ही मिस्सू काना को अपने बेड पर ले जाता है और उसके साथ घपाघप करने लगता है। लेकिन इस सब के बीच में भी काना सिर्फ टीचर का ही नाम जप रही होती है, क्योंकि वह अपने टीचर से घपाघप करना चाहती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करती हैं, पर टीचर उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अब वह उसे अपने चंगुल से आज़ाद करना चाहता है, इसलिए काना उससे रिक्वेस्ट करती हैं कि वह एक बार उसके साथ घपाघप कर ले। उसकी बात मानकर टीचर भी मिस्सू के सामने ही काना के साथ आखिरी बार घपाघप करता है और वहाँ से चला जाता है। टीचर के चले जाने के बाद काना मिस्सू से पूछती है कि क्या ये सब होने के बाद भी तुम उससे प्यार करते हो, तो मिस्सू कहता है कि हाँ। काना आगे बोलती है कि वह एक ऐसे आदमी की गुलाम थी जो उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता था। तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मूवी देखनी हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।